हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमजेड क्लासेस में। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन नंबर 1 बताया था। आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है। चलिए हम लोग बिना कोई देर किए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 5/3 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5/3 का पावर 2। इसको हम लोग फॉर्मूले में कैसे एडजस्ट करेंगे? यहाँ पावर पावर सेम है, इसको क्या करेंगे, 5/3, 2+2 इज इक्वल टू 5/3, 2 to 4। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब 5 को 4 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 6 to 5/81। ये आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। सेम सेकेंड क्वेश्चन भी है, बस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, वो बस हम लोग को ध्यान रखते हुए बनाना है। 5/6 5/6 इसको हम लोग एक बार लिख देंगे, 6 माइनस, पहले तो प्लस होगा, ब्रैकेट में हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे, 6 प्लस माइनस माइनस 4। फिर एक स्टेप हम लोग लिखेंगे, 6 में 4 माइनस करेंगे 2। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 को 2 टाइम्स करेंगे 25 6 को 2 टाइम्स करेंगे 6 6 36। ये आपका आंसर। आई होप आप लोग क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों में माइनस है, यहाँ दोनों प्लस में था, यहाँ पे जो पावर है उसमें एक में माइनस है, यहाँ दोनों पावर में माइनस है। इसको भी सेम एक ही रूल से बनाना है जिस तरीके से हम लोग ऊपर बनाए हैं।